वर्ग नवम के लिए संस्कृत कक्षा में संधि प्रकरण मैंने पढ़ाया है, उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं, उसके ऑप्शन रहते हैं, उसके तीन या चार ऑप्शन मिलेंगे। जैसे पहला सेंटेंस मैं डालता हूं, यथेष्टम कार्यम कुरु, यथेष्टम कार्यम कुरु, अंडरलाइन है यथेष्टम। इसके चार ऑप्शन रहेंगे या तीन ऑप्शन, जो भी हो। पहला यथा जोड़िष्ठम, दूसरा है यथ जोड़ेष्ठम, तीसरा है यथा जोड़ेष्ठम। अब हमें यह जानकारी रखनी चाहिए, ये चार में मुझे एक में टिक लगाना है, एक सही है। तीन में मैंने यहां तीन लिखा है, लेकिन चार ऑप्शन रह सकता है फाइनल एग्जामिनेशन में, या पीरियोडिक में हो सके तीन रहे, एक इसमें सही है। अब हमें संधि के नियमों को देखना है, जो मैं पूर्व की कक्षा में पढ़ाया है संधि में, आप शुरू में निकाल के देख लेंगे। यदि अवर्ण के बाद हर्षई या दीर्घई रहता है तो ए हो जाता है, गुण संधि में मैंने बताया है। यदि अवर्ण के बाद हर्षई या दीर्घई रहता है तो ए हो जाता है, जो मैंने गुण संधि में बताया है। तो यथा में आ है और ई है, आ और ई मिलकर के ए होगा, लेकिन यथ जोड़ एष्ठम और ए मिलकर के यहां पर अ होता है, गलत है। यथा जोड़ एष्ठम आ और अ मिलके अ हो जाता है, ये दोनों ऑप्शन गलत है, केवल ये ऑप्शन सही है यथा जोड़ एष्ठम, क्योंकि हम नियम संधि के नियम को पढ़े हैं। यदि अवर्ण के बाद अ या आवर्ण के बाद हर्षवी या दीर्घी रहे तो ए हो जाता है, जिसे यथेष्टम बनता है आदगुना से, गुण संधि से। अगर हमने हमें नियम याद रहेगा तो हम आसानतिया उसे बना सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन है इसका, इति प्लस उक्ति पिता पुत्रम उवाच, इति प्लस उक्ति। अब इसका ऑप्शन देते हैं, इत्युक्ति इतियुक्ति इत्युक्तः। अब हमें यह देखना है कि इति जोड़ उक्ति ये अंडरलाइन किया हुआ है, इतियुक्ति पिता पुत्र माच, ऐसा कथन पिता ने पुत्र को कहा, ये तीन में मुझे कौन सही है। अगर हमें संधि का नियम याद है, अगर मैंने संधि पढ़ा है तो यण संधि में पढ़े, यदि हर्षी का के बाद अ ई के बाद, यदि अ ई के बाद कोई भिन्न स्वर रहता है, यदि बाद में कोई भिन्न स्वर रहता है तो ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है। अब मैंने पूर्व कक्षा में पढ़ाया, आप देख लेंगे, इति प्लस उक्ति ई का य हो जाएगा, जिससे ये इत्युक्ति बनेगा। पढ़ने में सब समान लगेंगे, लेकिन आंसर एक ही सही होगा, हमें उसमें टिक लगाना है। नंबर थ्री, दिगंबराणम रथ यात्रा गच्छति, दिगंबराणम अंडरलाइन है। पहला ऑप्शन है दिग जोड़ अंबराणम, दूसरा ऑप्शन है दिक जोड़ अंबराणम, तीसरा ऑप्शन है दिग जोड़ वराणम। ये तीन ऑप्शन है, हमें यह पकड़ना है कि आखिर इसमें सही कौन है, दिग जोड़ अंबराणम या दिग जोड़ अंबराणम या दिग वराणम। दिगंबराणम दिग वराणम देखने में तो बड़ा सही लगता हो जाएगा, यही सही है। दिग अंबराणम दिगंबराणम ये भी लगता है सही है, लेकिन नियम से यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आता है जसत्व संधि में, तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे में चेंज हो जाता है,
इसलिए दिक् जोड़ अंबराणम ये सही है। इस प्रकार संधि के नियम नियम के द्वारा इस क्वेश्चन को हम पूरा कर सकते हैं, जिसमें हमें ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन का सही मूल्यांकन सही संकलन कर सकते हैं, सही खोज सकते हैं। इस प्रकार हम प्रश्नोत्तर पूरा करते हैं, फिर अगली कक्षा में इसका आगे से विवेचन करेंगे।